पेडिक्योर करने के लिए हमें सबसे पहले लेना है गर्म पानी। गर्म पानी इतना ही गर्म होना चाहिए ताकि पैर ना जलें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 3 टीस्पून कोई भी शैम्पू। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अब 10 मिनट के लिए अपने पैरों को इसमें डिप करके छोड़ देना है और अच्छे से अब अपने पैरों को 10 मिनट होने के बाद क्लीन कर लेना है। ऊपर से भी क्लीन कर लेंगे और नीचे से भी क्लीन कर लेंगे। अब हम लेंगे 2 टीस्पून बेकिंग सोडा और उसमें 1/2 लेमन स्क्वीज कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने पैरों पर 10 मिनट के लिए लगाकर छोड़ देंगे। एक टूथब्रश से अपने नेल्स को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अब साफ गुनगुने पानी से अपने पैर को क्लीन कर लेंगे और अच्छे से पोंछ लेंगे। अब नेल्स को कट करके अच्छे से शेप दे देना है। नेल्स के अंदर जितनी भी गंदगी है उसको साफ कर लेंगे। नेल्स को ऊपर से भी क्लीन कर लेना है, कॉर्नर में जितनी भी गंदगी है उसको क्लीन कर लेना है। उसके बाद हम नेल्स को ऊपर से भी क्लीन कर लेंगे, जितनी गंदगी है वो सब इस पे से हटा देंगे। अब अपने पैरों पर कोई भी क्रीम लगा लेनी है। मैं यहाँ पर निविया की क्रीम लगा रही हूँ। आपको जो भी क्रीम लगानी है या मॉइस्चराइजर लगाना है आप लगा सकते हैं। उसके बाद अपने पैरों को एक अच्छी सी मसाज देनी है। अब आप कोई भी नेल पेंट जो आपको अच्छा लगता है आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर L18 का शेड नंबर 61 लगा रही हूँ और अब हमारा पेडिक्योर कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।